फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन हम अम्मन का विश्वनाथ मंदिर घूमने के बाद ना अभी हम बुद्धेश्वर आ चुके हैं। और यहाँ पे ना हम आगे वाली गेट में बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, तो हम पीछे वाले गेट से एंट्री कर रहे हैं। बाकी यहाँ भी आपको भीड़ कम नहीं दिखाई देगी, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लाइन वाइन का क्या है, कैसे है, देखते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं और कराते हैं आपको बुद्धेश्वर में भी दर्शन। अभी ना आपको कुछ ऐसा नज़ारा पीछे वाले गेट से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखोगे ना ये पीछे वाले गेट से हम ना एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, और आपको भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि यहाँ से ना तुरंत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुकी है, भक्तगण यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं दर्शन के लिए। तो अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि मुश्किल है यहाँ पे कि दर्शन कर पाओ। 3-4 घंटे आप लाइन में लगाओगे ना, 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद ही आप कहीं दर्शन कर पाओगे। तो फिलहाल मिला जुला करके ना हम यहाँ पे दर्शन दूर से ही कर लिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हो ना यहाँ पे विशाल भंडारा हो रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भंडारे में मिल रही है, तो आप भी अगर यहाँ पे हो ना तो भंडारे आकर के खा सकते हो। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ दिखाई देगी आपको, और यहाँ पे भंडारे के लिए भी लाइनें लग रखी हैं, ये आप देखो। मतलब जो भी है, तो चलिए चलते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। ये आप देखो फ्रेंड्स यहीं से लाइन लगना स्टार्ट हुआ है, और अभी हम आगे चल के दिखाएंगे कि ये कहाँ तक गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ना ये लाइन ऐसे कैसे राउंड राउंड में लग करके कहाँ तक गई है, ये पूरा मंदिर तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको मनकामेश्वरनाथ मंदिर भी दिखा दिया, और बुद्धेश्वरम भी आपको आकर के दर्शन करा दिया। तो बहुत ही भीड़ थी, हमने आपको दिखाया यहाँ पे कितनी ज़्यादा